सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत वीके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप देख जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आज हम राष्ट्रपति के बारे में फुल डिटेल्स और आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद निहित है। जो हमारा आर्टिकल 52 है उसमें जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। कि फ्रेंड्स, जो रियलिटी में जो प्रधान होता है, वास्तविक जो प्रधान होता है वो तो हमारा प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति की योजना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता निहित है। और नेक्स्ट, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्य हो, और चुनाव के समय में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य मंत्री परिषद के सदस्य हो तो ये जो है लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा माने जाते हैं लाभ के पद, गवर्नमेंट जॉब कोई, ठीक है। और नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें आर्टिकल 53, तो भारत का राष्ट्रपति संघ का प्रधान होगा। संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और इसमें शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति जो है वो कानून के समक्ष ही करेगा, विधि के अनुसार करेगा, और ये या तो वह खुद करेगा या अपने अधीन जो है कर्मचारियों से करवाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, यह चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो होता है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वाला। क्योंकि अगर जो पीछे मैंने आपको योग्यता बताई उसके अकॉर्डिंग तो लाखों लोग जो है या करोड़ों भी हो सकते हैं जो भारत में राष्ट्रपति पद के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये एक यूनिक संवैधानिक व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और वो जो है ना लोकसभा राज्यसभा से ही होने चाहिए, MLA और MP, ठीक है। कोई और नहीं कि यहाँ किसी और को उठा के ले गए 50 प्रस्तावक, तो ऐसा नहीं है, वो संवैधानिक पद पर होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 55, राष्ट्रपति पद के लिए कोटा। कोटा यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम वोट का होना आवश्यक है। अगर जीतना है तो उसके लिए न्यूनतम वोट आने चाहिए। और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो निर्वाचन जो इनका होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, मत पद्धति के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह के विवाद का निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर जो राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए होते हैं वो वैध ही रहते हैं, अवैध नहीं होते, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 56, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और वो अपने पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। और पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित पत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य न्यायाधीश कि वो समक्ष जो है वो शपथ लेनी पड़ती है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 57, एक ही राष्ट्रपति को 2 बार से राष्ट्रपति पद पर चुना जा सकता है। जैसे कि हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है वो 2 बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए थे। और आर्टिकल 58 बताता है कि राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है। और आर्टिकल 59 बताता है कि राष्ट्रपति पद की दशा। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये जो है वो इलेक्शन कमीशन के में जो है जमा करवानी पड़ती है उम्मीदवार को जो राष्ट्रपति पद का वो इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। और वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब कि बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, उसके
मतलब उसके पास प्रॉपर्टी और कुछ एक पैसा भी उसके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 60 बोलता है कि राष्ट्रपति की शपथ, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, जो राजस्थान से हैं, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके ऊपर जो है वो एक कस्तूरी रे जी ने एक बुक लिखी है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम रायसेना टू कुछ ऐसे करके है, मैं बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। और राष्ट्रपति जी के महाभियोग 61 पर है, आर्टिकल 61, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के प्रति संसद का किसी भी सदन के द्वारा जो है इनके ऊपर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग जो है वो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाती है, ठीक है। और सूचना दी गई सूचना में महाभियोग के प्रस्ताव में पेश किए गए 2/3 सदन के द्वारा जो है प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और दूसरे सदन जो इसकी चेकिंग करेगा प्रस्ताव, वो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे गए हैं उनकी जांच करेगा। यदि राष्ट्रपति पर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है कि अगर वो गिल्टी साबित हो जाता है उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति जी को अपना पद जो है वो त्यागना पड़ता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जी की जो रिक्ति है पद की वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं, मतलब उसको खाली रख सकते हैं राष्ट्रपति के पद को, इसके लिए जो है दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ता है। और इस दौरान जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति पद पर कार्य करते हैं और राष्ट्रपति पद की ही उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। और अगर किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति जी नहीं है, जैसे उपराष्ट्रपति नहीं है, तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर जो है चुनाव होना आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति जी 5 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तक उनका कोई नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है शपथ नहीं ले लेता तब तक उनको ही राष्ट्रपति माना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो राष्ट्रपति जी का वेतन है वो 5 लाख रुपये महीना, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपति जी को आजीवन मुफ्त चिकित्सा आवास और इलाज की सुविधा जो है और अन्य भी सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राष्ट्रपति जी की जो सैलरी है वो टैक्स फ्री रहती है और भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का जो है सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑलवेज रहता ही रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी की सुविधा और किसी भी प्रकार की जो है कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति जी की रिटायरमेंट के बाद जो है इनको प्रति माह 1.5 लाख रुपये पेंशन के रूप में और 60,000 रुपये जो है अतिरिक्त इनको जो सर्वेंट वगैरह रखे होते हैं उनको पे करने के लिए अलग से दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री सॉरी जो राष्ट्रपति जी हैं उनके कुछ कार्य और कर्तव्य हैं उनके बारे में, ठीक है, अधिकार और कर्तव्य के बारे में। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री जी की, वो करते हैं 74 के अंतर्गत, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी ही करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की जो है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। मुख्यमंत्री चुनाव आयुक्त और चुनाव अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति भी, जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग के सदस्य और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की जो नियुक्ति है वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, वो विधिक जो शक्ति है उनके बारे में, संसद के सत्र को आहत करने और सत्र अवसान करने में लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है आर्टिकल 85 भाग 2 के अंतर्गत है, ठीक है। और दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी को है और वो है अंडर आर्टिकल 87, और संसद द्वारा पारित विधायक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए बाद ही कानून बनता है। मतलब जो जो कोई भी मतलब बिल हम पास करते हैं ना, तो राष्ट्रपति उस पर विचार करके ही साइन करते हैं, ठीक है। जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद में जो निम्न विधायक को कुछ एक ऐसे मतलब विधेयक होते हैं जिनको राष्ट्रपति की पूर्व जो है अनुमति हमें लेनी पड़ती है, ठीक है।
जैसे कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी अगर विधेयक है तो उसके लिए पूर्व जो है राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ती है उनके समक्ष रखने से पहले। ठीक है, धन विधेयक जो आर्टिकल 110 में है उसमें भी जो है जो अगर पेश करना है तो राष्ट्रपति जी की अनुमति पूर्व लेनी पड़ेगी, पहले लेनी पड़ेगी। संचित निधि में व्यय करने से पहले भी जो है परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी की। और संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी को है जो है अंडर आर्टिकल 108 संयुक्त सत्र, इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ठीक है, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही होती है जो आर्टिकल 113 के अंतर्गत होती है, अगर राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, संसद सदस्य के मनोनयन का अधिकार भी राष्ट्रपति जी को है। जैसे राष्ट्रपति को लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते थे ना उनमें से दो वो करते थे, मनोनीत करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है और 104वां जो संवैधानिक संशोधन था उस अधिनियम के, इसको एंग्लो इंडियन की जो दो पोस्ट थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है कि जो राज्यसभा में जो है 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्य में अनुभवी और दक्ष होते हैं। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसका प्रभाव सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, और लेकिन राज्य सूची के विषय में अध्यादेश राष्ट्रपति जी के द्वारा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके लिए वह एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त करते हैं और भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। क्षमादान की शक्ति, ये सबसे बेस्ट जो पावर है राष्ट्रपति जी के पास, कि राष्ट्रपति जो है किसी भी अपराधी को अगर वो राष्ट्रपति जी के सामने जो है मतलब क्षमा याचना करते हैं तो राष्ट्रपति उनकी जो है सज़ा कम भी कर सकते हैं, हो सकता है सज़ा बिल्कुल जीरो भी कर सकते हैं। ये जो है राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर राष्ट्रपति जी ने उसकी जो याचिका पूर्व में दायर कर दी होती है तो उसको जो है किसी भी प्रकार की कोई क्षमादान नहीं दिया जाएगा, जो भी उनकी सज़ा है उसको वैसा ही रखा जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जी की कुछ आपातकालीन शक्तियाँ हैं जो संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे अगर कोई युद्ध हो गया या बाहरी आक्रमण हो गया या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया तो उसके कंडीशन में जो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। सेकंड टाइप का होता है कि जो जैसे कोई स्टेट है जिसमें संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, ठीक है, तो उसमें उस स्थिति में जो है राज्यपाल की सिफारिश पर जो है प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जी जो है वो आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ठीक है, तो अभी पीछे कोई एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था कि भारत में जो है वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा, तो फ्रेंड्स आज तक जो है वित्तीय आपातकाल की स्थिति एक भी बार नहीं हुई और भविष्य में भी कभी ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बैड कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो परामर्श जो है मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो परामर्श लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राष्ट्रपति जी के पास विट्टो पावर होती है, जो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक होता है अधिनियम बनता है जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देते हैं तब तक ये विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है, तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, विधेयक के प्रति स्वीकृति दे सकता है, जो विधेयक है उसके प्रति अपनी जो स्वीकृति है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, या विधेयक को वापस विचार के लिए लौटाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति जी दोबारा नहीं लौटा सकते, धन विधेयक को जो है वो पास ही करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन अगर संसद विधेयक को बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर दे तो उसको राष्ट्रपति जी को जो है वो स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट, विट्टो इज ए लैटिन लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स रोकना, जो लैटिन है लैटिन शब्द है विट्टो जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, नेक्स्ट है तो राष्ट्रपति से संबंधित जो है इतने ही हमारे आर्टिकल्स थे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच। जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।